अब इसको पकड़ो आप, गुड, पापा और मैं मिलके सैलो खोलेंगे और गल्लों को गंजा करेंगे। कजन दो आप पहनो, दो मैं लेके आ रही हूँ। आगे लेके आओ, ये देखो आप लेके नहीं आ। हार गई। मामा प्लीज आ जाओ यार, पता है इतनी देर से कमर दबा रही है पापा से, और अभी तो कमर दबा रही थी, मैंने इतनी तेज पर्दा ऐसे कर दिया तो दोनों डर गए। क्योंकि पापा को ये लगा कि सबको पता चल जाएगा मैं बेचारी की कमर दबाता हूँ। तो सेम मम्मी कह रही मैं इस कच्चे को पहन के नहीं आ रही, और मैंने भी तो सेम ही पहन रखा है, हम दोनों भाई भाई। ये मैंने दिखाना अपना भी ऐसे। अरे पागल है क्या तू, हट पीछे। प्यारी सी गुड़िया, गुडल का फूल। बोलो क्या जबरदस्ती करवा रही है मेरे से, कह रही बाल खराब करूंगी आपके। मम्मा खराब नहीं करूंगी, मैंने क्या बोला, मेरे बाल तो पहले ही खराब हुए पड़े हैं। एक सेकंड, मैं बिल्कुल स्ट्रेट, पीटी उषा की तरह बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो। एक दो चूज करो, एक में है रेड कलर, एक में ब्राउन। इसमें से कोई नहीं, गोल्डन वाले ऐसे जो ये वाले के होंगे बाहर जाके। ये नहीं करवाना, मैंने आज मम्मी के लिए पैराडाइज वाला कलर मंगाया है ताकि वो मैं करूँ। अभी मैं लेके आती हूँ, सब कुछ फ्री में चाहिए इसे। तो फट भी रहे करने में, क्योंकि मेरे लाल चौड़े कलर तो खराब हो गए थे, पर मम्मा इसीलिए मैंने आपके लिए अच्छा वाला कलर ये बोला है कि मैं बहुत अच्छा करूंगी। करूंगी वो तो, रूबी फाइन ये वो तो नहीं है, ये खत्म है यार। मम्मी इतना ज्यादा बोल रही है ना, अपने आप इधर चढ़ के ढूंढ रही है। कौन सा? ये हमारे घर की पक्की चोर, ढूंढ ही देते चीजें। ये मंगवाया मैंने मम्मा के लिए, और मम्मी आप पे सूट भी करेगा, ये देखो। अच्छे बढ़िया कलर है, मैंने बोला है ना जो पहले ग्लव्स लेके आओ फटाफट जाके, तो तू लेके आना वो। आप यहाँ पे बैठोगे तो मैं कहाँ बैठूंगी, आप नीचे वाले पटरे पे बैठो और मैं इस पे बैठूंगी। पर मम्मा अगर इस पे कलर गिर गया तो देखा, पापा दोनों लगाता है, उधर से लगाना स्टार्ट करो। तू पागल है क्या? सारे ये लो पकड़ो, देखो नई चीज है हमारे घर में, इधर आओ। कजन दो आप पहनो, दो मैं लेके आ रही हूँ। दिखा देती हूँ मैं लगाऊंगी मम्मा को ये नेचुरल ब्राउन वाला कलर, जो कि पैराडाइज का है, चॉकलेट ब्राउन, सिंपल सेमी परमानेंट क्रीम कलर। व्हेन यू वॉश योर हेयर यू विल। पापा को क्यों करवा रही है? ओ भैया तू रहने दे, लगा दे, कुछ नहीं होता। मम्मा प्लीज आओ, गिरवा लिया ना अपने ऊपर सारा। रौनक मैं नहीं लगवा रही मम्मा, कुछ नहीं है प्लीज। भाई क्या है रौनक के पापा, पता है कितने गंदे कलर। आप पीछे हटो, वहां बैठो, नीचे नीचे लगा दे रौनक प्लीज। रौनक मत कर यार, ये तुम लोगों ने गलत काम कर दिया पता है। अरे गलत नहीं, अब जो हो गया वो हो गया। रौनक तुझे समझाया था ना मैंने कैसे कलर रखता है। पापा पता है, पापा तेज हट रहा है। अरे सही लग रहा है, खुजा लग रही है मेरी, खुजाना। अब इसको पकड़ो आप, गुड, पापा और मैं मिलके सैलो खोलेंगे और गल्लों को गंजा करेंगे। लग रहा है लाल कलर को देख के, दिखा। और रौनक ये तो बहुत ही गंदा है, ऐसा लग रहा है चुकंदर का रस हो। वैसे भी ये अच्छे वाले कलर है, इसलिए मैंने आपके साथ रिस्क लिया। देखो पापा क्लचर ढूंढ के लाया। स्क्रीन में उतार गई। पापा ऐसे नहीं बोलते, किसी का फोन आ रहा है तो ये कलर पता ही चल रहा है साफ देख के। मम्मा अच्छा है, तोड़ दिए इसे। और मम्मी अभी बाल धो रही है और मेरी सच में इतनी गद्दी फट रही है, क्योंकि मैंने पहली बार देखो मम्मी को जिद करा के बाल करवाया उनके, कि मेरे पसंद का आप कलर करवाओगे, एंड मेरे को लग रहा है कि डार्क ना हो गए। और यहाँ से सारे वाइट थे तो अलग कलर में दिखे, यहाँ का अलग और यहाँ का अलग। वैसे उस पर लिखा था ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर पूरा ग्लोबली करते हो आप तो आ ही जाएगा कलर। डर लग रहा है। मम्मा क्या कर रही हो इधर, देखना एक बारी। कहती है ये एक्सरसाइज है, डॉक्टर ने मुझे बताया है, कोई नॉर्मल बंदा ऐसे चल के आए। देखे डर लग रहा है, नहीं लग रहा? और मम्मा पता है ऐसा लग रहा है ये आपके हाथ है, और आपने मम्मा भगवान कसम बहुत गंदा डर लग रहा है। ए पागल भूतनी। मामा चलो यार, मम्मी के बालों के कलर तो आया है मम्मा, सच्ची ब्राउन कलर आया है, हल्का हल्का। अभी इसको सुखा के चेक करते हैं, और देखना अंदर तक भी हो गया मम्मा अच्छे से, ये देखो ब्राउन तो आया है। इधर देखो, चलो नेल एक्सटेंशन कराने चलते हैं आज।
इधर मम्मा पता है भूत नहीं वाली हरकतें मत करो। चलो फिर आज नेल्स करा के आते हैं आपके, और बाल तो अच्छे हो ही गए, और रात को आपका बहुत अच्छे से बॉब कट भी करवाते हैं। कोई मैं नहीं करा रही कुछ भी, तूने मेरे बाल वैसे खराब कर दिए। इस कलर का कुछ नहीं पता अभी मुझे, ब्लैक में तो गीले बालों में नहीं दिख रहे, लेकिन हो सकता है बाद में धोने के बाद दिखे, धोने के बाद नहीं सूखने के बाद दिखे, और धूप में ज्यादा दिखते हैं पैराडाइज वाले कलर। मम्मा फिर चल रहे हो तो बताओ नेल्स के लिए आज? बेकार नहीं करे, दिखे हैं बल्कि। अब बोलो चल रहे हो क्या? चल ना, तू तो पीछे पड़ जाती है। आज अच्छे से तैयार होके मम्मा आउटिंग करते हैं ना, कुछ खा पी टेस्टी सा बाहर से, तो हो जाऊं रेडी? मैं सच्ची हो जाऊंगी या ऐसे कोई मैं बाहर जाऊंगी नेल्स करवाने? चल यार, मम्मी ना चल लेगी अभी थोड़ी देर में, इतने मैं तो तैयार हूँ, नहीं तो मना कर देगी बाद में। एंड मम्मी की आज छुट्टी भी है, तो आज हम बहुत सारे इंजॉय करेंगे, बहुत सारी जगहों पे जाएंगे, देखते हैं क्या क्या करते हैं। तो आपसे तैयार होकर मिलती हूँ, लव यू। फटाफट से अपना स्किन केयर करती हूँ सिर्फ दो प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले लगाऊंगी मैं ये मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम, जो कि आपकी स्किन को नरिश करती है प्लस एक नेचुरल सा ग्लो देती है। इस क्रीम में विटामिन सी एंड टर्मरिक की गुडनेस है, जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाती है। इसका फॉर्मूला बहुत लाइट वेट है, प्लस ये बहुत मॉइस्चराइजिंग भी है। ये टॉक्सिन फ्री सर्टिफाइड है, प्लस इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स और पैराबेंस नहीं है। इसको लगा के मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सफल फील कर रही है। और अब लगाऊंगी मैं ये मामा अर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। सनस्क्रीन तो हम सभी को मालूम है कि बिना लगाए धूप में निकल नहीं चाहिए, इनफैक्ट अगर घर पे भी हो तो भी लगानी चाहिए। और इस सनस्क्रीन में SPF 50 PA++++ प्रोटेक्शन है। ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाती है, प्लस आपकी स्किन के नेचुरल ग्लो को भी रिवाइव करती है। ये आपकी स्किन को सनबर्न से हील करती है, प्लस आपकी स्किन को भी ग्लोइंग बनाती है। कोई भी सनस्क्रीन को लगा के लगता है कि वो व्हाइट कास्ट छोड़ रही है, लेकिन उसको लगाने के बाद 2 मिनट वेट करना होता है, और अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन एकदम नेचुरल लग रही है, और कोई भी व्हाइट कास्ट इस सनस्क्रीन ने नहीं छोड़ा। ये प्रोडक्ट्स आपको Amazon, Nykaa, Flipkart, Purple पे, मामा अर्थ की वेबसाइट पे और ऑफलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे। एंड प्लीज यूज माय कोड YASHI2023 फॉर 20% ऑफ। प्लीज आई एम रेडी, मुझे लगा कोई आ गया हमारे घर में। ये इन्होंने पहना है टॉप, जो कि मैंने इनको दिया था। देख जुराब कितनी प्यारी लाई है, दो अलग अलग वो भी, और कितनी खुश होकर लेके आई। मम्मा आपके बालों का कलर अब दिख रहा है, धूप में आके दिख रहा। मम्मा ने बालों में न्यू कलर कराया है, कैसे लगा आपको? अच्छा लगा। मम्मा इधर आके तो दिखा दो, इधर दिखाओ। मम्मा उधर फेस करो, सच्ची दिख रहा है यार, मजाक नहीं कर रही। रुक रुक रुको, बहुत स्लाइटली सा आया है यार कलर इसमें। अच्छा, स्लाइटली बोलते हैं ना, स्लाइटली बट अच्छा लग रहा है, नेचुरल लग रहा है। मम्मा इधर देखो, नाइस। आर यू रेडी टू गेट योर नेल्स डन? नेल्स तो है, तो फिर आपको नहीं कराना, मैं करा लूं अकेले। पकड़ी गई, थोड़ा सा टेढ़ा हो रखा होगा कैमरा अभी, क्योंकि किताब के ऊपर रखा है ना मैंने। हम लोग जा रहे हैं नेल्स करवाने, मैं भी कराऊंगी, मम्मा भी करवाएंगी, और शाम में शायद मम्मा हेयर कट भी कराएं। आज मैं उनको बोल रही हूँ कि यार हेयर कट करा लो, बड़ा टाइम हो गया। मम्मा मेरा व्लॉग ही बन जाएगा, करा लो। मजाक कर रही, ऐसा कुछ नहीं है, बट बोल अभी करवाई गई, रुक जाओ। सुनो हाँ, अब आई ना लाइन पे, व्लॉग ऑन था, और किसी भी हमेशा जाते हैं कहाँ से करती है, इसमें से होठ निकाल के, और ये देख लो पहले की भी लिपस्टिक छपी हुई है इतनी सारी। यहीं पर आओ, 1 2 3 इनको आप खुद इसकी किसी लेते हो यहाँ से। चलो बाय। हम लोग पेट्रोल पंप भी पहुंच गए। ओए ये फ्री में होता है, नॉर्मल क्या होता है ये? नॉर्मल पेट्रोल है। हाँ हाँ नॉर्मल पेट्रोल फुल करना है। हाँ फुल। अच्छा लगता है जब मैं ड्राइव कर रही हूँ और मेरी मम्मी पापा सो जाएं साइड में, मेरे बचपन से सपना था ही। बट मेरे को ऐसा लग रहा है हमारे 800 रुपए खराब हो गए इन बालों में, क्योंकि कलर तो इतना अच्छा दिख ही नहीं रहा। बट मम्मा सही है ना, अगर बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाते तो भी गंदे लगते। पागल है, अभी स्मार्ट से सरदार जी सामने जा रहा है, कह रही ओए होए ससुरकाल सरदार जी हड़िप्पा, मतलब अगर मैंने कुछ कहा ही मैंने बोला मतलब अगर तुम्हें सरदार जी कोई पसंद आ रहा है, डोंट प्रिटेंड लाइक डोंट नीड टू स्पीक इंग्लिश हिंदी कुछ भी, सीधा ससुरकाल सरदार जी हड़िप्पा, दो लाइन बोलो सिर्फ। गए हम एमबी नेल्स पे ही आते हैं हमेशा करवाने के लिए, रजौरी गार्डन में, मम्मी की फेवरेट दुकान, लेट्स गो। और मम्मी सुनो इधर सुनो, अभी इसने बोला था पुराने वाले, जैसे ही हम सालों में घुसे हमें पता चला आधे घंटे की वेटिंग थी, और इतना वेट हम कर नहीं सकते थे, इससे अच्छा हम कुछ खाने के लिए चले गए बाहर। और अंदर इतनी वेटिंग है ना, या तो एक काम करता है जूस पीने चलते हैं, या फिर अतुल चाट, यहाँ पे बहुत अच्छी चाट है, या फिर गोलगप्पे पीछे भी, चुपचाप जूस पीने चल।
ये चटर बटर नहीं खिलाएगी कभी भी, सिर्फ जूस पिलाएगी अच्छी चीज। खुद ललचा गई, कह रही बनवा ले चल गोलगप्पे भी। भैया जूस कैसे दिया? 40-50-60-80। 40 के दो ग्लास बना दो। गोलगप्पे पूछ रहे हैं यहाँ तो 60 रुपए नहीं होते भैया। गोलगप्पे कैसे दिए? 30 रुपए के 6। चल दो। भैया मीठा पानी। मीठा पानी आपको नहीं पीना? अभी पीना है। अरे मेरा है अभी ये। बस मम्मी अच्छा बनाया भैया। नाइस बेटा, इस बार ही नहीं हारूंगी, रुक जाओ। मम्मी अपना आप लेके नहीं आ रहे हो, दमो तो आगे लेके आओ। ये देखो आप लेके नहीं आ। हार गई। बस थोड़ी देर की वेटिंग के बाद ही हमारे नेल्स होने स्टार्ट हो गए थे। मुझे ये वाले कराने थे और मम्मी को ये वाले। नेल्स कराने के 2 मिनट बाद ही मम्मी का ये हाल था, सो गई भाई वहां जाती। और उसके बाद ऐसी सोई कि भैया को उठाना पड़ रहा था हाथ लगा के कि मैम दिखाओ दूसरा हाथ। मम्मी यहाँ आके भी बिजनेस की बात करती है, भैया कितना कमाते हो, उसका तमीज ही नहीं है। बस जो मुझे आमंड्स वाली नील चाहिए थी वो हो गए और मम्मी के भी हो गए थे। अभी बेस ही बना था, अभी कलर लगाने इस पे बाकी था। और मुझे बाद में इतना दुख हुआ क्योंकि मम्मी को मुझसे दूर बिठा दिया था। लेकिन हम दोनों के नेल्स कुछ ऐसे लग रहे थे, दोनों के कलर बिल्कुल सेम ही थे। मम्मी ने थोड़ा सा रेनबो टाइप कराया था और मैंने थोड़ा सा अलग, और मम्मी बड़ी खुश थी करा के। और बस हम थोड़ी देर में निकल गए अपने घर। और जैसे मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही थी, अपने नाखून की मम्मी पहले लेके आ जा रही थी कि मेरी भी बना। हम लोगों के नाखून हो चुके हैं और मम्मी के भी सेम ही हुए हैं। इधर दिखाओ ऐसे। उसका रीजन ये था, मम्मी ने ये वाले करवाई। ये आपको याद है मैंने पहले अपने बर्थडे पे कराए थे, एंड मुझे तो मम्मी के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं अपने से। भाई मेरी इतनी गंदी फट रही है, मम्मी अभी ड्राइविंग कर रही है और मेरे को ऐसे लग रहा है आज मैं सही सलामत बस घर पहुंच जाऊं। और पता है किसी को भी कोई भी सामने आ रहा है ना, ऐसे चौधरी की बच्ची हो रही, कह रही हट जा चाटा मार दूंगी मैं निकल के। सीधा ऐसी डरा रही है, ये पागल है अंधा कहीं का चलाए जा रहे हैं। मैंने कहा मम्मी उसकी भी तो रोड है ना, वो भी चलाएगा। अब देखो अगर ये सामने भैया आ रहे हैं, मम्मी को आती है ऐसे भी गुस्सा कि ये क्यों चल रहे हैं मेरी जब रोड है तो। एक तो मैं इसके चक्कर में सर्विस लेन पे आई हूँ। मम्मी को पता क्या हो रहा है, यहाँ पे आके कह रही ऐसे चलाते रहने सीधे, ऐसे तो मैं बोर हो रही हूँ। तो मैंने कहा पहले दिन में कोई हवाई जहाज नहीं बनाना था, मैंने कहा थोड़ा आराम आराम से करके चलाया जाता है। अब जैसे ये आया ना ये हाँ, तो इस पे हल्का ब्रेक के साथ ऐसे। अब छोड़ दो, रेस नहीं देनी आज, रेस नहीं दे रही मैं इधर करके। कितनी बढ़िया चला रहा है, जबरदस्त हाईवे पे लेके चलती हूँ आपको, चलो। मम्मी बहुत गुस्सा आ रहा है, पता है एक जगह स्टीयरिंग मोड़ देगी वहीं की वहीं मुड़ी रहेगी और कहेगी ओ शिट मेरी गाड़ी वहां जा रही है। अब स्टीयरिंग तो देख लो आपका ऐसा हुआ पड़ा है भाई, हट जाना तू, यहाँ आ गया बिना मतलब। मम्मी यार उसकी भी सोसाइटी है यार। या गुली, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच ए गुली, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और ये बस एक रैंडम सा व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मतलब एक तरह से मम्मी और मेरी आउटिंग हुई थी, वही हम कर रहे थे। ये लोग अभी मेरे बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। मुझे पता है तो मेरे बर्थडे के लिए कुछ आपकी कसम कुछ भी प्लानिंग तो तुम्हें डूंगे मर जाना चाहिए, शर्म नहीं आती मेरे। अभी 25 मेरे आज मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ और फिर ऐसे करती है मेरी थाली में छेद करती है। सो या गुलीज़, बाय, टेक केयर, लव यू सो मच एंड बाय।